हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरुजी में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स होंगे फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, और जो भी विद्यार्थी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद उन फॉर्मूलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले जो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब देखिए यहाँ पे आई का जो मतलब है वो है करंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं धारा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। क्यू की बात करें तो क्यू होता है चार्ज, हिंदी में इसे कहते हैं आवेश। टी की बात करें तो टी का मतलब यहाँ पे है टाइम। सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आता है वी इज इक्वल टू W बटे में Q। यहाँ पे V की बात करें तो V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। W की बात करें तो W का मतलब यहाँ पे है वर्क। पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। वर्क का मतलब है कार्य और क्यू का मतलब चार्ज। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी फॉर्मूले करवाऊंगा सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप ये सभी फॉर्मूले जरूर याद रखना। इनसे ग्रुप डी के पिछले एग्जाम की बात करें तो इन्हीं फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये थे दो फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर, कि V हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई आर के। अब यहाँ पे V क्या है? V है वोल्ट, या फिर हमें कह देते हैं वोल्टेज। I का मतलब है करंट, और यहाँ पे R का मतलब है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आ जाता है पावर का। P इज इक्वल टू V इंटू आई, या फिर सेकेंड फॉर्मूला है इसका P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और इसका थर्ड फॉर्मूला था P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। फिर से रिपीट करते हैं। पावर के तीन फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई, सेकेंड है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और थर्ड फॉर्मूला है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब देखिए यहाँ पे P का मतलब है पावर, V का मतलब वोल्टेज, और यहाँ पे R का मतलब है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। ये फॉर्मूला है जूल्स का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स का हीटिंग इफेक्ट, H का यहां पे मतलब है हीट, I का मतलब
करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस और टी का मतलब है टाइम। नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है रेजिस्टेंस पे। तो फर्स्ट आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला होता है जब हमें रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करने होते हैं तो 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से हमें ऐड करने होते हैं। अगर इसके बात करें सीरीज की, रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में हो तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हमें ऐड करते जाना है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट है रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सेकंड दिया हुआ है रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जितने भी हमने फॉर्मूले किए हैं, 7 फॉर्मूले किए हैं, अब इन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक सर्किट से 100 सेकेंड, अगर एक सर्किट से 100 सेकेंड में 200 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो सर्किट की धारा कितनी होगी? तो सर्किट की धारा कितनी है? तो हमें यहाँ पे धारा यानी कि करंट पूछा गया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। अगर एक सर्किट से 100 सेकेंड में 200 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है तो सर्किट की धारा कितनी है? तो हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास आई है जो निकालना है। हमारे पास दिया हुआ है टाइम, दिया हुआ है 100 सेकेंड यानी कि टी दिया हुआ है, और चार्ज दिया है यानी कि क्यू दिया हुआ है। तो हमें इन तीनों में रिलेशन देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो हमें पता है सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि आई इज इक्वल टू क्यू बटे में टी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू हमारे पास दिया हुआ है 200 कूलम और बटे में टाइम दिया हुआ है 100 सेकेंड। तो इसे हम जब काटेंगे तो हमारे पास 2 एम्पियर जो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या था कि अगर एक सर्किट से 100 सेकेंड में 200 कूलम, यहाँ पे कूलम दिया हुआ है मतलब क्यू हमारे पास दिया हुआ है, 100 सेकेंड यानी कि टाइम भी हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या निकालना था? बस धारा यानी कि करंट आई हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। तो फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज किया है हमने, आई इज इक्वल टू क्यू बटे में टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। 5 कूलम के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? अगर बिंदुओं
पर विभव, विभव हमारे पास दिया है विभव कर्मश, कर्मश दिया हुआ है, एक पे है प्लस का 10 वोल्ट और दूसरे पे दिया है माइनस 5 वोल्ट है। फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन क्या है कि 5 कूलम के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। कार्य मतलब यहाँ पे हमें W पता करना है, क्या होगा अगर बिंदुओं पर विभव वोल्ट क्या है, एक पे है 10 वोल्ट और दूसरे पे दिया है 5 वोल्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और यहाँ पे बी, तो क्या कह रहा है कि इस चार्ज को ए से बी तक ले जाया गया है, सॉरी ए से बी तक ले जाया गया है, तो क्या है इसका वर्क क्या होगा। तो पॉइंट ए पे दिया है चार्ज प्लस का 10 वोल्ट और बी पे दिया है माइनस का 5 वोल्ट। तो अब देखिए यहाँ पे पहले हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास है क्यू, चार्ज हमारे पास दिया हुआ है, उसके बाद दिया है वी भी दिया हुआ है और हमें W निकालना है। तो हमें देखना है इन तीनों का रिलेशन क्या है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू W बटा क्यू, तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस, विभांतर का मतलब है दोनों विभवों में अंतर, इसे कहते हैं विभांतर। तो दोनों का अंतर देख लेते हैं, प्लस का 10 माइनस यहाँ के माइनस का 5, तो ये हो जाएगा विभांतर इज इक्वल टू क्या है W बटे में Q। तो W हमें निकालना है, Q हमारे पास दिया हुआ है 5 कूलम, तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75 जूल, क्योंकि हमें वर्क निकालना था तो इसकी यूनिट होती है जूल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 जूल। फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 5 जूल के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने को किया गया कार्य क्या होगा अगर बिंदुओं पर विभव कर्मश 10 वोल्ट और सेकंड पे दिया है माइनस 5 वोल्ट हो। क्या था, पॉइंट ए और बी तक ले जाना था, फर्स्ट पे था प्लस का 10 वोल्ट और सेकंड पे था माइनस 5 वोल्ट। तो हमारे पास दिया हुआ था कूलम, उसके बाद W हमें निकालना था और क्या था वोल्ट हमारे पास दिया है, तो विभांतर हमारे पास आ गया यहाँ पे इन दोनों के बीच का। जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का है तो ये ऐड हो जाएगा, 15 जाएगा, 15 इज इक्वल टू W बटा क्या था कूलम, कूलम हमारे पास था 5, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है कि एक बल्ब को 60 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, उसके बाद वह 5 एम्पीयर की धारा लेता है, धारा लेता है तो लैंप का प्रतिरोध क्या हो, तो सॉरी बल्ब या फिर लैंप, बल्ब लिख देता हूँ, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, कह रहा है कि एक बल्ब को 60 वोल्ट के किसी स्रोत से जोड़ा गया है और वह 5 एम्पीयर की धारा लेता है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। इसको सॉरी सॉल्व लिखना था, तो क्या दिया हुआ है, वोल्ट हमारे पास दिया हुआ है, उसके बाद एम्पियर हमारे पास दिया हुआ है यानी कि करंट हमारे पास है, और क्या निकालना है, प्रतिरोध आर हमारे पास नहीं है, ये हमें निकालना है। तो इन तीनों का रिलेशन देखें तो ये आता है ओम्स के नियम में, ओम्स लॉ में आता है वी इज इक्वल टू आई आर, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो देखते हैं वी हमारे पास वी इज इक्वल टू आई आर यूज करना था, तो वी हमारे पास दिया हुआ है 60, आई हमारे पास दिया हुआ है 5, और आर हमें निकालना है। तो यहाँ पे हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 ओम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। एक इलेक्ट्रिक आयरन पर, एक इलेक्ट्रिक आयरन पर 750 वाट वोल्ट और 220 वोल्ट अंकित किया हुआ है, अंकित है, और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसपे 750 वाट दिए हैं और 220 वोल्ट दिए हैं। यहाँ पे एक आयरन बना लेते हैं, ये जैसे कोई आयरन है, क्या कह रहा है कि 750 वाट है और 220 वोल्ट इस पे अंकित किया हुआ है, तो इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका मान क्या होगा। तो विद्युत धारा यानी कि आई हमें निकालना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, वाट दिया है, तो ये किसका यूनिट होता है, पावर का, यानी कि पी दिया हुआ है और वी भी दिया हुआ है, हमें निकालना है आई। तो इन तीनों का रिलेशन देखें तो हमें पावर का जो फॉर्मूला किया था वो था पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, फर्स्ट ही फॉर्मूला हमने किया था पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो इसमें पुट कर देते हैं, पावर हमारे पास है 750 वाट, उसके बाद हमारे पास वोल्ट दिए हैं 220, और आई हमें पता करना है। जब हमें इसे डिवाइड करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे 220, इस तरह से काटेंगे तो ये काटने पे आ जाएगा 3.4 एम्पियर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक इलेक्ट्रिक प्रेस है, उसी तरह एक इलेक्ट्रिक आयरन है और उसके ऊपर अंकित किया हुआ है 750 वाट और 220 वोल्ट। सेम उसी तरह का क्वेश्चन ले रहा हूँ, बस थोड़ा चेंज करूंगा कि, और उसका हमें पता करना है इस बार प्रतिरोध, प्रतिरोध पता करना है इस बार, यानी कि हमें आर निकालना है। सेम क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके ऊपर 750 वाट दिए हैं और 220 वोल्ट दिए हैं, तो हमें क्या पता करना है, रेजिस्टेंस। तो हमें देखना है पी हमारे पास दिया हुआ है, वी भी दिया है, और आर, इन तीनों का रिलेशन देखना है। तो हमने फॉर्मूला किया था एक पी इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर, पावर का ही फॉर्मूला था सेकंड वाला। तो इसमें पुट कर देते हैं पी इज इक्वल टू वी दिया है 220 इंटू 220, वी स्केयर है, और बटे में आर हमें निकालना है। पी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 750। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64.53 ओम, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। एक बल्ब का प्रतिरोध, एक बल्ब का प्रतिरोध प्रतिरोध दिया हुआ है 200 ओम। एक बल्ब का प्रतिरोध 200 ओम है और एक एम्पियर धारा है जो लेता है। एक बल्ब है, उसका प्रतिरोध है 200 ओम और वह एक एम्पियर धारा लेता है, और इसकी हमें क्या पता करना है, शक्ति। इसकी शक्ति सॉरी शक्ति पता करें। तो इसकी शक्ति क्या होगी, तो देखते हैं। पी हमें निकालना है, आर इसमें दिया हुआ है और एम्पियर आई भी दिया हुआ है, तो इन तीनों का रिलेशन देखना है हमें। तो हमने फॉर्मूला क्या था पावर का, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, पी निकालना है, आई हमारे पास है एक, तो एक का स्क्वायर करेंगे, एक इंटू एक आ जाएगा, और आर हमारे पास है 200 ओम। तो इसका आंसर आ जाएगा 200 वाट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 10 ओम का एक इलेक्ट्रिक आयरन EI लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक आयरन है जो 5 एम्पियर की धारा लेता है। एक 10 ओम का सॉरी ओम ओम का इलेक्ट्रिक आयरन है जो 5 एम्पियर की धारा लेता है, तो वह 10 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, कि कोई 10 ओम का इलेक्ट्रिक आयरन है और 5 एम्पीयर की धारा ले रहा है, तो 10 सेकंड में कितनी ऊष्मा, ऊष्मा के यहाँ पे मतलब है हीट, तो हमें पता करना है हीट कि कितनी हीट जो उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, ओम दिया है यानी कि आर हमारे पास है, एम्पियर है यानी कि आई भी हमारे पास है, और टाइम है यानी कि टी भी हमारे पास है, और एच निकालना है। तो इन चारों में देखते हैं कौन सा रिलेशन है। तो हमने फॉर्मूला किया था एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये किसका फॉर्मूला था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो इसमें कर देते हैं वैल्यू जो भी है, एच हमें निकालना है, आई हमारे पास है 5, तो स्केयर करेंगे 5 × 5 × आर हमारे पास है 10 ओम है, और टाइम भी है 10, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2500। क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा जूल। अगर हमें इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 2500 को बट्टे में 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.5 किलो जूल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। अगर अगर 4 ओम 5 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध है जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध यहाँ पे आ लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो उनका समतुल्य या फिर कुल
प्रतिरोध क्या होगा? फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। अगर 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर और 6 एम्पेयर के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़े हैं, सीरीज में सिंपल ही था, क्या था? R1, R2, R3 इस तरह से था, तो तीन प्रतिरोध हैं इस तरह से। फर्स्ट वाला था 4 ओम का, सेकंड है 5 ओम का, थर्ड है 6 ओम का, तो सिंपल ही है, तीनों को ऐड करना था, कितना हो जाएगा 10 और 15 ओम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो था सीरीज के अंदर। अगर पैरेलल की बात करें, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे श्रेणी के जगह पैरेलल मैं कर देता हूँ, पैरेलल ऐड करने हूँ तो हमें क्या करना है, टोटल प्रतिरोध जैसे आर टोटल यहाँ पे क्या जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से ऐड करना है, जैसे 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 इस तरह से इनको ऐड करना है। एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम इनका आ जाएगा 60। ऊपर देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 15 चौके 60, 5 से करें तो 12 5 60 और 6 से करें तो 10, इनका टोटल करें तो ये आ जाएगा 37/6। अब देखिए आंसर किस तरह आएगा, हमें निकालना है 1/RT दिया हुआ है, तो इसको हम निकालना क्या था, डिस्टेंस, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, जैसे कि 60/37। अब हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 ओम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इसे मत टिक कर दीजिएगा, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में ये इस तरह दिया हो तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है 1/R दिया है तो हमें R निकालना था, तो इसको उल्टा करेंगे तो इस तरह से 60/37 करके काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 ओम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे, जल्दी मैं आपके सामने एक सेकंड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम बाकी चैप्टर के भी न्यूमेरिकल कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन है जो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।